हेलो साथियों, मेरा नाम मधुमिता है और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कहानी मंत्रा बाई मधुमिता पर। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारी आज की कहानी है कितने जन्म वैदेही। आज फिर से बैठक की सजावट शुरू हो गई थी। फूलदान में बिल्कुल नया खिला हुआ गुलाब और एक और रजनीगंधा सोफे के कुशन कवर बदले जा रहे थे। सेंटर टेबल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई की हुई कवर बिछाई जा चुकी थी। उस पर एक निहायत ही खूबसूरत शीशे के बाउल में मोगरे के फूल नजाकत से रखे हुए थे। पर फिर भी मन को चैन नहीं पड़ रहा था। लग रहा था कि कुछ कमी है अभी भी। आखिर सबसे पहले लोग ड्राइंग रूम को ही तो देखते हैं, फिर उसी से अंदाजा लगाते हैं इस घर के रहने वाले लोग कैसे होंगे, उनका रहन सहन पहनावा कैसा होता होगा, इस घर की बेटी कैसे दिखती होगी। और सबसे बड़ी बात, इस घर की तिजोरी में माल कितना होगा। सुमन जी ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर एक नजर फिराई कि कहीं कुछ छूट ना जाए। एक एक तौलिया उन्होंने बहुत ही करीने से लगा रखा था, वॉश बेसिन से लेकर किचन तक सब कुछ बिल्कुल टिप टॉप। इस घर की बेटी वैदेही को देखने लड़के वाले आ रहे थे। उसका नाम बहुत ही प्यार से रखा था दादी ने। आखिर सीता जी का नाम जो है बहू के रूप में आज भी हर लड़के और माता पिता के मन में सीता ही तो समाई हुई रहती है। लोग आशीर्वाद के रूप में भी कहते हैं राम सीता की जोड़ी सलामत रहे। देखने में औसत एवं शालीन युवती है वैदेही। पढ़ाई में होनहार, स्वभाव मीठा, बिल्कुल शांत सरोवर सी। पर इन सबसे क्या होता है, उसका रंग सांवला है। और इसी कारण कितने ही रिश्ते आए, ड्राइंग रूम ऐसे ही सजाए गए और अच्छे अच्छे पकवानों से लड़के का स्वागत भी हुआ। खूब हंसी मजाक, चुटकुले सुने और सुनाए गए। फिर जाते जाते कह जाते आपको फोन करेंगे, पर वो फोन कभी ना आता। और सुमन फिर से लग जाती किसी नए रिश्ते के इंतजार में। घर में ब्रिजमोहन सिंह, उनकी पत्नी सुमन, बेटी वैदेही और बेटा अंशुमन, बस इतना ही परिवार है। यूं तो ब्रिजमोहन और सुमन अच्छे खासे गोरे हैं और अंशुमन भी अच्छा रूप रंग रखता है, पर न जाने क्यों वैदेही का ही रंग जरा सांवला है। आज भी नियत समय पर लड़के वाले आए। अच्छी तरह स्वागत किया गया उन सबका, लड़के के माता पिता, उसकी बहन और फूफा जी। लड़का नहीं आया था। उन्होंने कहा रिवाज नहीं कि लड़का लड़की को देखने आए, जो माता पिता तय करेंगे वही मानेगा। लड़का अपने पिता के साथ कपड़ों की दुकान पर दिखता था। खूब स्वागत, खूब बातें, हंसी मजाक, मिठाई, समोसे, चाय का दौर चला। सुमन को उम्मीद थी कि रिश्ता यहाँ पक्का हो ही जाएगा। ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, बस चार लोगों का ही परिवार। उसकी बुआ इसी शहर में रहती है तो कभी कभी उनका भी आना जाना होता है, पर अभी सिर्फ फूफा जी आए। उनको देखकर लग रहा जैसे पूरे घर में उनका प्रभाव इस प्रकार है जैसे हिटलर का जर्मनी पर था। थोड़ी ही देर में मुद्दे की बात पर आ गए। लड़की के पिता ने बाकी सबको कहा आप लोग जरा आपस में बैठकर बातचीत कीजिए, जरा घर देखिए। वैदेही सब समझ रही थी, ये कोई नया नहीं था उसके लिए। बिल्कुल घर के पीछे बरामदे में जाकर बैठ गई। कुछ भी जानने की ललक नहीं, बस आसमान को चुपचाप निहारती बैठी थी। क्यों हमेशा लड़कियों के रंग पर इतनी बातें? सांवला होना गुनाह है क्या? उसकी बाकी अच्छाइयां क्या इस रंग पर दब जाती हैं? उसकी शालीनता, उसका मेधावी होना कोई मायने नहीं रखता? हमेशा एक ही तराजू में क्यों रख दिया जाता है? आखिर श्री कृष्ण भी तो सांवले हैं, उन्हें सब पूछते हैं। आंखों में काजल भी काला ही लगता है नजर से बचाने के लिए। तो फिर लड़की का सांवला रंग उसके लिए अभिशाप क्यों? न जाने कितनी देर बैठी रही थी कि अचानक बधाई की आवाज आने लगी। अरे ये क्या हो गया, ये सब अचानक कैसे खुश हो गए? ये तो बिल्कुल नई कहानी हो गई। आज तक तो लड़के वाले खा पी कर वापस चले जाते थे, कहते थे बाद में फोन करेंगे, पर लगता है कुछ नया हुआ है। वो उठकर ड्राइंग रूम की ओर जल्दी जल्दी जाने लगी। उसने देखा पापा और लड़के के पिता आपस में गले मिल रहे हैं और माँ मिठाइयों की प्लेट बढ़ा रही है। मुंह मीठा कीजिए, आप सबको मुबारक हो। उसने सवालिया नजरों से अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने नजरें थोड़ी सी झुका ली।
जैसे अभी वैदेही के नजरों का सामना कर नहीं सकते। शादी की बात पक्की हो गई थी। लड़के वालों ने कहा, हम लोग सगाई नहीं, सीधे शादी करेंगे। बहुत जल्द आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बनने वाली है, सुमन कुछ कहना चाहती थी। जी, अगर एक बार लड़का और लड़की आपस में मिल लेते। आप समझ रहे हैं ना, पहले का जमाना अब नहीं रहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम लोग मिला देते हैं इन लोगों को, ये तय हो गया। लड़के वाले चले गए, कहा फोन पर बता देंगे दोनों को कब कहाँ मिलना है। उन लोगों के जाने के बाद वैदेही ने अपने पिता से पूछा, क्या बात हुई बंद कमरे में? तो जाने दे बेटा, बस अच्छे से रिश्ता हो जाए और कुछ मत सोच। पर वैदेही को चैन नहीं था। उसने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया। पापा, आपने आज तक कभी मुझमें और भैया में कोई फर्क नहीं किया। हमेशा हम लोगों को आपने स्पष्ट कहना सिखाया। पापा बताइए ना प्लीज, लेन देन क्या तय हुआ है, मुझे मालूम होना चाहिए ना। बेटा, उन लोगों ने 25 लाख नगद, 10 तोला सोना और बारातियों के अच्छे स्वागत की बात कही। और आप मान गए पापा? बेटा तू फिक्र मत कर, मेरे पास मेरी तैयारी है। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या तैयारी है आपकी? देख, गांव की जमीन को बेचकर कैश आ जाएगा, और सोना तो तू जब से पैदा हुई है हम थोड़ा थोड़ा जोड़ते आए हैं, और तेरी माँ के गहने भी तो हैं। ये बहुत ज़्यादा है पापा, इससे तो अच्छा मेरी शादी ही ना हो। ऐसी बात मत कर बेटा, हमें भी समाज में रहना है। थक हार कर वैदेही को ही चुप होना पड़ा। पिता से बहुत ज़्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं था। जमीन जो गांव में उनकी शान समझी जाती थी, अब नहीं बचेगा वो जमीन। सोचकर आंसू निकल आए वैदेही के। लड़के के घर से अगले दिन फोन आया। एक रेस्टोरेंट में दोनों के मिलने का प्रोग्राम था। होने वाली सासू माँ की ओर से लड़की को ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आने का आदेश था, जैसा वो लोग चाहते थे। सब कुछ किया सुमन ने, तय कर लिया था ये रिश्ता किसी भी सूरत में छूटना नहीं चाहिए। पर रंग की वजह से या फिर बहुत दहेज की बहुत ज्यादा मांग की वजह से शादी रुकी हुई थी। वैदेही तैयार होकर आई। पता नहीं कितना लीपा पोती कर दिया था पार्लर में उसे। क्यों, मैं साधारण ही जैसी हूँ, वैसी नहीं जा सकती? ये बातें उसे मन ही मन बहुत बुरी लग रही थी। कैब से नियत स्थान पर पहुंची। पर ये क्या, लड़का तो बहुत ही औसत निकला, बाल भी आगे के उड़े हुए थे। शायद इसीलिए पहले सामने आना नहीं चाहता था। थोड़ा सा मन खराब हो गया वैदेही का, पर पिता का चेहरा याद कर बैठ गई। इधर उधर की बातें होने लगी। एकाएक लड़के ने उससे उसका फोन ले लिया। थोड़ी देर पता नहीं उसमें क्या कुटकुट करता रहा। उसकी गैलरी झांकने लगा जिसमें उसकी तस्वीर थी सहेलियों के साथ। अचानक लड़के ने पूछा, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी वो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मन में सोचा, कैसा सवाल है? अरे मिलने आए हो तो कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी बात पूछो, मेरी हॉबी क्या पसंद है, खाना बनाना, घूमना फिरना, कुछ फिल्मों की बातें, एक आम लड़की जो उम्मीद करती है। पर यह तो पुराना इतिहास में ही लग गया। कैसे बीतेगी इसके साथ जिंदगी, वैदेही को बहुत भारी महसूस हो रहा था। पर कहते हैं ना, पिता की मजबूरी बेटियों का मुंह सी देती है। उसने कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। रेस्टोरेंट का सारा बिल वैदेही के पिता को ही देना था। घर जाकर माँ से उसने कह दिया, सब ठीक है। माँ ने लड़के की तस्वीर तो देखी थी, पर गंजा है शायद ये उन्हें पता नहीं था। फोटोशॉप के जमाने में क्या नहीं होता। शादी का दिन नजदीक आने लगा। वैदेही का भाई अंशुमान अपने एक दोस्त शुभम को शादी के एक हफ्ते पहले ही ले आया। उसकी चर्चा पहले भी अंशुमान ने की थी। साथ में दोनों ने अपनी पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग के साथ में की थी। फोन पर इसके पहले वैदेही कई बार बात कर चुकी थी उससे। शुभम उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। शुभम ने आते ही एक लिफाफा पकड़ा दिया वैदेही को, अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लेना और अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें एक बनारसी साड़ी देनी है। वैदेही ने कहा, बहुत कुछ और जरूरत नहीं। पर वो नहीं माना। शादी की तैयारी बहुत जोर शोर से शुरू हो गई। एक ही हफ्ता बच गया, फुर्सत नहीं थी किसी को। हर रोज समधियाने से फोन आने लगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतने बाराती आएंगे, वगैरह वगैरह। उस दिन भाई शुभम और वैदेही बाजार की ओर चल पड़े। उन्हें वैदेही के लिए बनारसी साड़ी लेना था और भी कुछ कुछ जो उसने सोच रखा था। घूमते फिरते बाहर ही खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। शुभम आइसक्रीम लेकर आया। उसने देखा तो दोनों भाई बहनों में आइसक्रीम को लेकर आज भी बहुत लड़ाई होती है। उसकी कोई बहन नहीं थी, वो बस इन दोनों की नोकझोंक देखता रहता था। दोनों हाथ में दो आइसक्रीम पड़ी हुई थी।
बच्चों की तरह दोनों आइसक्रीम छीनने लगे। इसी छीना झपटी के बीच दीपक के फूफा वहां से गुजरे। वैदेही को शुभम की बांह पकड़े देख फूफा की त्योरियां चढ़ गई। तीनों के घर पहुंचने से पहले ही दीपक के सारे घर वाले वहां मौजूद थे। दीपक काफी गुस्से में लग रहा था, थोड़ा सकपका गई वैदेही। सुमन जी भी बहुत परेशान नजर आ रही थी, शायद रोई थी। उनकी आंखों में अभी भी नमी नजर आ रही थी। पापा अपराधी की तरह सर झुकाए बैठे थे। कहा, अरे आप सब यहाँ, सब ठीक तो है? फूफा उबल पड़े, बेशर्मों के घर में हम लोगों ने रिश्ता तय किया है, बोले उन्होंने जो देखा था। माँ वैदेही को अंदर ले गई। क्या तुम बाजार में शुभम की बांह पकड़ी हुई थी? एकाएक कुछ समझ में नहीं आया वैदेही को, फिर याद आया, ओहो आइसक्रीम, तो ये बात है। फिर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, देखो वो लोग बहुत नाराज हैं, कहीं रिश्ता ना तोड़ दें। अच्छा ही होगा, वैदेही मन ही मन बोल उठी। ऐसी सोच वालों के यहाँ जाने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारी रहूं। तभी बाहर से वैदेही को बुलाया जाने लगा। सभी लोगों की नजरें वैदेही की ओर ही लगी थी। दीपक ने माँ से कहा, अब जरा पूजा का दिया लेकर आइए। माँ पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कहना क्या चाहता है। भाई ने बात करने की कोशिश की, पापा ने उसे इशारों से चुप करा दिया। शुभम को बहुत बुरा लग रहा था कि क्या कर दिया उसने, आइसक्रीम लेता ही नहीं तो ये बात का बतंगड़ नहीं बनता। पूजा घर से दिया लेकर सुमन जब आई, दीपक ने एक एक शब्द को चबा कर कहा, वैदेही देवी आप इस दिए पर हाथ रखकर कहिए कि शुभम से आपका ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, ये पूजा का दिया है, अग्नि को छू कर कहिए। उसने ये बातें इतने जहर बुझे शब्दों में की कि कहा एक पल को तो रोना आ गया वैदेही को। इतना अविश्वास, अभी से आंसू गिरने लगे झरझर। वैदेही मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे लगभग, चीखते हुए दीपक ने कहा। अचानक वैदेही उठ खड़ी हुई, उसने दिया हाथ में ले लिया, देखा पिता सर झुकाए बैठे थे। माँ भाई शुभम सब बहुत अपमानित महसूस किया उसने अपने ऊपर। अपने पिता के लिए क्या इसी दिन के लिए बेटियां आती हैं धरती पर? कोई भी उन्हें इस तरह से बेइज्जत करेगा, और हमेशा बेटियां ही अग्नि परीक्षा देती रहेंगी। उसने दिया एक और रख दिया। सुनो दीपक, किसने तुम्हें हक दिया कि तुम मेरी अग्नि परीक्षा लो? मेरे पिता की शिक्षा, मेरी माँ का सबक और मेरे भाई का प्यार, उसने मुझे हमेशा मजबूत बनाया है। विश्वास क्या है मुझ पर? मुझे यह हक नहीं कि उनका और उनकी शिक्षा का, उनके पालन पोषण का अपमान करूं। मैं अभी और इसी वक्त इस शादी से इनकार करती हूँ। जितना लेन देन हो चुका है वो सब आप लौटा दें, सूद के साथ। क्या कहा तुमने, ये शादी तोड़ रही हो? दीपक ने पूछा। हाँ सही सुना तुमने, अब ये शादी नहीं होगी। क्यों, हर जन्म में वैदेही ही अग्नि परीक्षा देती रहेगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।